आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस जगह पर लोगों के साथ ऐसे वाक्य हुए जो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी याद रहे। एलिस्का एक्स मर्डर हाउस अमेरिका के आयोवा शहर में आज भी मौजूद है, जो अमेरिका में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। यह जानते हुए भी यहाँ लोग एक रात रुकने के लिए $428 जैसी भारी रकम देते हैं। इस घर के ऑनर मार्था लिन का मानना है कि यहाँ कुछ लोगों को रात में बच्चों की खेलने की आवाज़ आती है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने रात में एक आदमी को कुल्हाड़ी के साथ भी देखा है। और मार्था का कहना है कि उनके पास कई किताबें हैं जिसमें वह उस घर में रुके हुए लोगों के रात के अनुभवों को लिखते हैं, जिसमें यह पाया गया कि ज़्यादातर लोगों ने वहाँ भूतिया गतिविधियों को अनुभव किया। इन सब की शुरुआत 9 जून 1912 की रात से होती है। उस रात को मूर फैमिली चर्च से अपने घर लौट रही थी। इस फैमिली में जोसेफ, सारा और उनके 4 बच्चे थे, मगर उस रात को उनके साथ 2 गेस्ट और भी थे जो बच्चों के ही दोस्त थे। मूर फैमिली के कहने पर वो 2 बच्चे भी उस रात वहीं उनके घर रुक गए। विलिस्का में मूर फैमिली को सब जानते थे क्योंकि वह वहाँ के रईस परिवारों में से एक थे। उस रात वह 10 बजे सोने की तैयारी करने लगे और सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन 10 जून सुबह 7 बजे उनके किसी पड़ोसी ने यह देखा कि मूर फैमिली के घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मूर फैमिली अक्सर सुबह जल्दी उठ जाती थी। यह देखकर उसने मूर फैमिली के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, जिस कारण वह घर के अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि सभी लोगों की लाशें उनके कमरों में थी और एक खून से भरी कुल्हाड़ी बेडरूम के फ्लोर पर पड़ी थी और यह कुल्हाड़ी जोसेफ की थी। कुल्हाड़ी को देखकर माना गया कि यह सभी हत्याएं जोसेफ ने रात में सोते वक्त की होगी, लेकिन जोसेफ की लाश बुरी तरह खून से लथपथ उसके बेडरूम में मिली थी और उसका चेहरा कई जगहों से कटा हुआ था और उसकी आँखें भी गायब थी और सबसे ज़्यादा खून भी उसी की डेड बॉडी पर था, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि उसने उस रात को किलर से लड़ने का प्रयास किया होगा। उस रात कई रहस्यमयी घटनाएं भी हुई थी, जैसे कि सारे दरवाजे अंदर से बंद थे और चिमनी भी अंदर से बंद थी, जिससे यह माना गया कि कातिल घर के अंदर ही था और मूर फैमिली के आने और उनके सोने का इंतज़ार कर रहा था और उसने आधी रात को सोती हुई मूर फैमिली को कुल्हाड़ी से मारकर मौत की नींद सुला दिया। यह सब करने के बाद वह चिमनी के रास्ते ही घर से बाहर चला गया होगा, लेकिन चिमनी और घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, जिस कारण वह घर से बाहर नहीं जा सकता था। तो वह गया कहाँ? यह आज भी एक रहस्य है। इस केस में 3 लोगों पर शक था। पहला शक आयोवा के सेनेटर फ्रैंक जोन्स पर था, जिसका विलिस्का में हार्डवेयर और फार्म का बिजनेस था। जोसेफ मूर इसी के यहाँ काम करता था। आगे चलकर जोसेफ ने यहाँ से काम छोड़ दिया और खुद का हार्डवेयर और फार्म का बिजनेस स्टार्ट किया, जिस कारण सेनेटर फ्रैंक जोन्स के आधे कस्टमर जोसेफ मूर के पास चले गए, जिस कारण जोन्स को भारी नुकसान हुआ। और इन्वेस्टिगेटर्स को यकीन था कि जोन्स किलर हो सकता है क्योंकि उन दोनों के संबंध बिगड़ गए थे, मगर इसके कोई सबूत नहीं मिले थे, जिस कारण उसे छोड़ दिया गया। दूसरा शख्स जॉर्ज कैली पर था, जो कि इंग्लिशमैन था, जो वेलिस्का शहर में कुछ समय के लिए आया था। मर्डर से एक दिन पहले उसने एक फंक्शन अटेंड किया था जिसमें मूर फैमिली भी आई हुई थी। मर्डर के कुछ समय बाद वह वेलिस्का छोड़कर चला गया था, इस वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ। वेलिस्का छोड़ने के बाद उसने पुलिस को कई लेटर लिखे थे जिसमें उसने कहा था कि वही किलर है। पुलिस के अरेस्ट करने पर उसने पूछताछ में बताया कि वह झूठ बोल रहा था और यह भी पाया गया कि वह मानसिक तौर पर बीमार था, और इसके खिलाफ भी कोई सबूत ना मिलने के कारण इसे भी पहले शख्स की तरह छोड़ दिया गया था। तीसरा शख्स एंड्रू सॉयर पर था, जो कि पास के टाउन में काम करता था, और यह माना गया कि यह भी किलर हो सकता है क्योंकि इसे कुल्हाड़ी चलाना आता था, लेकिन इसने पुलिस को प्रूफ कर दिया कि वह मर्डर के समय टाउन से बाहर था, जिससे यह प्रूफ हो गया कि यह भी किलर नहीं था। तो यह 3 लोग थे जिन पर ज़्यादा शक था, लेकिन इनके अलावा और भी लोग आए और उन्होंने कबूल भी किया कि उन्होंने यह मर्डर किया है, मगर यह सब वो फेमस होने के लिए कर रहे थे और आज तक उस किलर का पता नहीं लगाया जा सका।
नवंबर 2014 में रॉबर्ट स्टीवन लॉरेंट अपने दोस्तों के साथ वेलिस्का एक्स मर्डर हाउस में रात को रुकने के लिए गए थे और रॉबर्ट के साथ रात को 12:45 पर एक दुर्घटना हुई। वह कमरे में अकेला था और उसके सारे दोस्त कमरे से बाहर थे। रॉबर्ट ने थोड़ी देर बाद मदद के लिए अपने दोस्तों को आवाज़ दी और उनके दोस्तों ने देखा कि रॉबर्ट बहुत बुरी तरह से घायल था। उसके शरीर पर कुल्हाड़ी की मार के निशान थे और वह बेहोश पड़ा था। और यह सब घटना उसी समय हुई जिस समय 1912 में मूर फैमिली को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना में रॉबर्ट जिंदा बच गया था। जब रॉबर्ट से उस रात की घटना के बारे में पूछा गया तो उसने उस रात की घटना के बारे में बताने से मना कर दिया, जिस कारण यह केस आज भी एक रहस्य बना हुआ है।